अपना संपूर्ण ध्यान अपने आत्म स्वरूप पर एकाग्र, मस्तक के बीचों बीच अपने आप को देखें। मैं एक तेजस्वी आत्मा, इस देह की मालिक, भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं अपने मन और बुद्धि के दिव्य नेत्र से अपने आप को स्पष्ट रूप से देख रही हूं। मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूं। मेरा संपूर्ण राज्य एक एक सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिय पर है। मेरी हर कर्मेंद्री मुझ आत्मा के ऑर्डर प्रमाण कार्य करती है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं। मुझ आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप से पावरफुल पवित्रता की लाइट निकल रही है। बहुत शक्तिशाली और मेरी संपूर्ण देह में फैल रही है ये पवित्रता की शक्तिशाली किरणें। देह की एक एक कर्मेंद्रिय को शांत कर रही है। मेरे दोनों पैर एकदम शांत हो चुके हैं, कोई हलचल नहीं। जड़ अवस्था में, शून्य अवस्था में जैसे कि है ही नहीं। और धीरे धीरे दोनों पैर के ऊपर का हिस्सा एकदम शांत एक एक दैहिक कर्मेंद्री मुझ आत्मा की पवित्रता की शक्ति से एकदम शांत हो चुका है।
महसूस कर रही हूं कि मैं देह में होते भी तुम्हारी प्यारी हूं। अब मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को शरीर रूपी मिट्टी के पुतले को यहां ही छोड़कर इस देह और देह की हर आकर्षण से परे पहुंच जाती हूं। इस हद की दुनिया से पार बेहद मैं अपने घर परम धाम में आज पावन
जहां मुझ आत्मा के पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा है, उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे ज्वाला स्वरूप किरणों के नीचे मैं आत्मा परम धाम में स्वयं को देख रही हूं। मेरा स्वरूप कितना दिव्य और अलौकिक है। मैं आत्मा बहुत शांति का और हल्केपन का अनुभव कर रही हूं। हर हद की जंजीरों को तोड़कर हर प्रकार से मुक्त होकर मैं अपने घर में अपने बाबा के पास आ गई हूं। कितना सुकून मिल रहा है। बस मैं और मेरा बाबा मैं आत्मा आज सिर्फ बाबा में अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण रूप से एकाग्र रखूंगी।
बाबा की शक्तिशाली किरणों से स्वयं को भरपूर करूंगी। मैं बाबा के दिव्य स्वरूप को देख रही हूं। दिल ये चाहता
से निकलने वाली एक एक शक्तिशाली किरण कितनी सुंदर और पावरफुल है। मुझ आत्मा में समा रही है। मैं एकाग्र कर देती हूँ अपने आप को बाबा के स्वरूप पर। बस मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा। कोई संकल्प नहीं, निरसंकल्प अवस्था, संपूर्ण एकाग्रता बाबा के सूक्ष्म स्वरूप पर, उनके ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली किरणों को मैं अपने अंदर समा रही हूं। मैं आत्मा हल्की होते जा रही हूं। बस मैं और मेरा बाबा। निरंतर शक्तियां बाबा से निकल निकल कर मुझ आत्मा में समा रही है। ये शक्तिशाली किरणें
सचमुच आत्मा के अंदर से जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को नष्ट कर रही है। मैं आत्मा बहुत हल्की हो चुकी हूँ। मेरी संपूर्ण एकाग्रता बाबा के स्वरूप पर है। बस एक ही संकल्प, मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा परमात्म शक्तियों को समाते जा रही हूँ। बस मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा बाबा के लब में लीन हो गई हूँ। उसकी किरणों में समा गई हूँ। लवलीन अवस्था का अनुभव बस मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा खो गई हूँ। उसकी शक्तिशाली किरणों में अपने आप को जैसे कि मैं आत्मा उसके प्रेम में उसकी शक्तिशाली किरणों में
लीन हो गई हूँ। बस बाबा ही नजर आ रहा है। मेरा मन पूरी तरह शांत और एकाग्र है बाबा के शक्तिशाली स्वरूप पर। बस मैं और मेरा बाबा एक ही संकल्प, एक ही स्मृति, बस बाबा और मैं। बाबा के सानिध्य में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है।
जहां कुछ और इच्छा नहीं, सब कुछ मिल गया है,
मुझ आत्मा को भरपूरता का गहरा अनुभव हो रहा है। आत्मा से पाप कर्मों का बोझा उतर गया है। शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणों से बाबा ने मुझ आत्मा के अंदर से हर बोझ को नष्ट कर दिया है। और मुझ आत्मा को एकदम हल्का संपूर्ण पवित्र बेदाग डायमंड की तरह मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को देख रही हूं। कितना चमकीला स्वरूप हो गया है मेरा। मैं आत्मा बाबा के समीप बहुत सुकून का अनुभव कर रही हूं। जी करता है बस बाबा के समीप ही बैठी रहूं, खोई रहूं उसकी याद में। जी करता है बाबा।
जिसको पुकारा जन्म जन्म, तुम ही वो भगवान हो। जिसको पुकारा जन्म